झारखंड राज्य के जिला गुमला ब्लॉक राइडी पंचायत कासिर ग्राम गमहरटोली के 15 किसानों एवं अन्य गांव के किसानों को नाव की बात है जो हम लोग को केसी से भरे थे उसका पैसा लिए थे उसका हम लोग को वो जो कैशियर लोग आता है रोज आता है दो तीन दिन के बाद में फिर आता है चार दिन के फिर आता है। फिर हम लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि अब इसको लोन अभी तो लोन बोल रहा है हम लोग तो पहले नहीं जानते थे कि लोन है कि क्या है सूखा गृहस्थी समझ रहे थे कि कुछ अनुदान में मिल रहा होगा ऐसे हम लोग भी सोचे बताया वैसे ही केसीसी का हम लोग तो मतलब ही नहीं जानते थे तो हम लोग उसी के चलते ले लिए वो तो सूखाग्रस्त का मिल रहा है मदद सरकार की तरफ से कह के हम लोग लिए बैंक वाला भी नहीं समझाया कि केसीसी का मतलब क्या होता है। अभी तो बहुत बढ़ गया है कैसे करेंगे कैसे नहीं रात को भी नींद नहीं आता है काम करने का मन भी नहीं करता है कैसे चुकाएंगे उसी को सोच रहे हैं कि कैसे किया होगा। मेरा घर तो इतना ये आप देख रहे हैं इधर ये धसा हुआ घर है छोटा सा इंदिरा आवास मिला है दिया था उस समय लोग कुछ नहीं बताया कि कब भरना है वो सब इसका जानकारी भी नहीं दिया था कि महीने में भरना है कि साल में भरना है कि कैसे करना है कैसे सूद लगेगा ये सब कुछ नहीं बताया था। अभी तो 5 साल के बाद आता है फिर पैसा भरो बोलते हैं हम लोग तो भर नहीं सकते हैं इसलिए उन लोग ज़बरदस्ती साइन करा लेते। मैं तो लिया था 15,000 रुपया अभी तो 28,000 कुछ रुपया और हो गया है। 5,000 का लोन था उसमें शुरू में 1,000 निकाला फिर 500 वापस किया था उसमें फिर दोबारा में 2,000 मिला था बस उतने में 7-8,000 बैठ गया है। से लिया था 25,000 का था 25,000 का लेकिन 25,000 लिए नहीं हैं 15-16,000 लिए थे और बाकी तो नहीं ये दिए वो लोग और अभी जो हुआ उसका तो अभी दुगुना हो चाहते हैं सरकार से कि कुछ माफ़ कर दे ताकि हम लोग सुख से जी सके जो भी है उसी से हम लोग आराम से जी सके। हिंदुस्तान रिपोर्ट के अनुसार किसान कर्ज माफी होने से झारखंड राज्य के 17,84,000 किसानों को फायदा होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं निर्मला रांची झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।